एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एलएन चित्राल में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पशु स्वास्थ्य। देखो, पशु स्वास्थ्य के अंतर्गत हमने पशु में होने वाले विभिन्न रोग जैसे एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ा, ब्लैक वाटर के बारे में पढ़ा। आज का अपना रोग है गलगोटू। कौन सा रोग है? गलगोटू। देखो, गलगोटू जो रोग है वो गले से संबंधित है, अर्थात श्वसन नाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्वसन नाल से संबंधित है। बात करते हैं इसके उपनाम की कि इसको किस किस नामों से जाना जाता है। तो उपनाम के अंतर्गत गलगोटू को गुड़क्का, किस नाम से? गुड़क्का, गोठवा, नाभिक ज्वर, नाभिक ज्वर और स्लीपिंग फीवर, स्लीपिंग फीवर, इन नामों से जाना जाता है। चार नाम हमारे पास में आए, एक गुड़क्का, दूसरा गोठवा, तीसरा नाभिक ज्वर और चौथा स्लीपिंग फीवर। इस नाम से किसको जानते हैं? गलगोटू रोग को जानते हैं। बात करते हैं इसके रोग कारक की। किसकी बात करनी है अपने को? अब रोग कारक की। तो देखो, जो गलगोटू है ये गाय, भैंस और भेड़ बकरी में अलग अलग रोग कारक के द्वारा होता है। किस किस के द्वारा होता है? अलग अलग रोग कारक के द्वारा होता है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम गाय की। इसकी बात कर रहे हैं, गाय की बात कर रहे हैं। तो गाय के अंतर्गत रोग जो फैलता है वो फैलता है पाश्चुरेला बोविशेप्टिका नामक जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? पाश्चुरेला बोविशेप्टिका नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। किसमें? गाय में। अब बात करते हैं भैंस की। देखो, पाश्चुरेला जो शब्द है, जो जीवाणु है पाश्चुरेला, वो तो एजेटिव ऐसा का ऐसा आएगा, इसमें जो भी आपकी जाति है वो चेंज होती रहती है। तो यहां पर भैंस में जो रोग फैलता है वो फैलता है पाश्चुरेला बोवेली सेप्टिका। किसके द्वारा फैलता है? पाश्चुरेला बोवेली सेप्टिका के द्वारा फैलता है। और ऐसे ही बात करते हैं भेड़ और बकरी की। किसकी बात करनी है? भेड़ और बकरी की बात करनी है। तो भेड़ और बकरी में पाश्चुरेला, मैंने क्या कहा आपको कि पाश्चुरेला जो जीवाणु है ये तो ऐसा कैसा आएगा, चेंज क्या होगा, जाति चेंज होती चली जाएगी और यहां पर जाति आ जाएगी ओविस। क्या आ गया? ओविस आ गया। तो पाश्चुरेला बोविसेप्टिका गाय, पाश्चुरेला बोवेलिसेप्टिका भैंस और पाश्चुरेला ओविस भेड़ और बकरी, दोनों में एक ही के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रभावित अंग की। किसकी बात करनी है? यहां प्रभावित अंग की बात कर रहे हैं। तो देखो, गलगोटू मैंने आपको पहले ही बता दिया, गले से संबंधित मतलब श्वसन नाल प्रभावित होगी। क्या प्रभावित होगी? श्वसन नाल प्रभावित होगी। श्वसन नाल होता संपूर्ण शरीर है, श्वास लेने में घटनाएं होगी, संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा, लेकिन मोस्टली संपूर्ण शरीर तो प्रभावित होगा, लेकिन मोस्टली जो प्रभावित हो रहा है वो क्या होगा? श्वसन नाल प्रभावित होगा। क्यों? श्वास लेने में क्या हो जाती है? कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके बाद देखिए इंक्यूबेशन अवधि। इसके बाद क्या देखना है? इंक्यूबेशन अवधि। इंक्यूबेशन अवधि का मतलब समझाया था मैंने आपको पहले, जो भी आपकी लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था। इंक्यूबेशन अवधि का मतलब होता है इस रोग का प्रकोप सर्वाधिक कितने समय तक होता है। तो जो भी आपकी गलगोटू है इस गलगोटू की इंक्यूबेशन अवधि होती है 1 से 3 दिन। कितनी होती है? 1 से 3 दिन इसकी अवधि होती है, इंक्यूबेशन अवधि होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका प्रकोप ज्यादा कब होता है, गलगोटू रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा कब होता है। तो जो भी आपके गलगोटू रोग है इसका प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है, और वर्षा ऋतु में भी, वर्षा ऋतु में तो रहा है लेकिन कितने समय के जो भी आपके पशु होते हैं उनमें सर्वाधिक होता है। तो ये 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के जो भी पशु होते हैं वर्षा ऋतु में तो होता है, लेकिन साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है 6 माह से 2 वर्ष का जो पशु होगा उसमें ये प्रकोप, इसका प्रकोप सर्वाधिक होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मृत्यु दर। ये चीज भी इसके अंतर्गत, इस रोग के अंतर्गत देख लेते हैं कि इस रोग की मृत्यु दर कितनी होती है।
कितने रोग होने के बाद में कितने पशु मर जाते हैं, वो हो जाते हैं इसकी मृत्यु दर। तो देखो इस गलघोंटू रोग की मृत्यु दर कितनी होती है, 80 से 90% होती है। कितनी होती है? 80 से 90% होती है। और ये मृत्यु किसके कारण होती है? टोर्मिया के कारण होती है। किसके कारण होती है? टोर्मिया के कारण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेट के लिए भी है और सुपरवाइजर के लिए भी है। टोर्मिया के कारण पूछा जा सकता है कि जो भी गलघोंटू रोग है उसमें मृत्यु का कारण क्या होता है। मृत्यु का कारण होता है टोर्मिया। मृत्यु का कारण क्या होता है? टोर्मिया होता है। ठीक है, ये चीज देखी हमने। इसके बाद देखिए इसके लक्षण। रोग होने के बाद में क्या लक्षण प्रकट होगा, कैसे पहचानेंगे कि ये रोग कौन सा है, गलघोंटू है। तो पहला जो लक्षण है वो तो मैंने आपको बताया दिया, श्वास लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी। क्या होगा? श्वास लेने में कठिनाई होगी। गले में क्या होगा? गुर गुर की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? गुर गुर की आवाज आएगी। तो इससे लक्षण है जो मोस्ट लक्षण होते हैं इसके, वो तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, चलो देखो लक्षणों के अंतर्गत तेज बुखार। लक्षणों के अंतर्गत सबसे पहला लक्षण देखा अपन ने तेज बुखार, यानी कल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था तेज बुखार का मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर था उससे लगभग 3 से 4 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ रहा था। नॉर्मल टेम्परेचर लगभग पशुओं में 101 से 102 डिग्री फारेनहाइट होता है और यहाँ जो टेम्परेचर बढ़ जाता है वो लगभग 105 से 160 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। कितना होता है? 105 से 160 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो तेज बुखार हो गई। उसके बाद में शरीर में क्या होता है? कपकपाहट की होता है, शरीर में कंपन होती है, कपाहट। दोनों शब्द आपके पास में आ जाता है कि शरीर में कंपन भी आपके शब्द आ सकता है और कपकपाहट शब्द भी आ सकता है। तो शरीर में कपकपाहट उत्पन्न होती है। जीभ व गले पर सूजन आ जाती है, जीभ में, जीभ पर और गले में सूजन आ जाती है, जीभ पर व गले में सूजन। गले में सूजन आएगी, श्वास लेने में कठिनाई आएगी। नेक्स्ट लक्षण बता दीजिए, श्वास लेने में कठिनाई। श्वास लेने में कठिनाई, कैसी आवाज निकालेगा? गुरगुर की आवाज निकालेगा, घर घर या गुरगुर, मोस्टली शब्द आपके पास गुरगुर ही आएगा, गुरगुर की आवाज। श्वास लेगा, श्वास लेने में क्या होगी? कठिनाई होगी। और उस समय आवाज कैसे निकलेगी? गुरगुर की आवाज निकलेगी। पहले क्या होगा? कब्ज होगा। पहले क्या होता है? कब्ज होता है, लेकिन बाद में क्या होता है? दस्त होता है। ठीक है, तो पहले कब्ज है, बाद में दस्त। पहले कब्ज होता है और उसके बाद में क्या होता है? दस्त होते हैं। पहले कब्ज है, बाद में दस्त। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है? पशु की मृत्यु हो जाती है, अंत में पशु की मृत्यु। अंत में क्या होता है? पशु की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि श्वास थोड़ी दिक्कत आएगी और श्वास लेने में कठिनाई होगी तो पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। ये तो क्या हो गए? इसके लक्षण हो गए। इसके बाद देखिए हमारे को क्या देखना है? इसकी चिकित्सा देखनी है। कंट्रोल अपने को करना है, तो कंट्रोल करने के लिए क्या करें? देखो जो भी आपका गलघोंटू रोग है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे को क्या करना है? सल्फामिडिन काम में लेनी है। क्या काम में लेनी है? सल्फामिडिन काम में लेनी है। ठीक है, इस सल्फामिडिन की जो मात्रा है वो मात्रा हमारे को काम में लेनी है 30 से लगभग 50 ml। 30 से 50 ml, और जो 30 से 50 ml है ये प्रति जो 50 kg पशु शरीर भार वाला है, 50 kg शरीर भार वाला पशु है उसके लिए काम में लेनी है। यदि 100 kg शरीर भार का पशु है तो मात्रा डबल कर दीजिए। ठीक है, तो आपके सल्फामिडिन का जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन आपको लगाना है 30 से 50 ml का प्रति 50 kg शरीर भार पर। उसके बाद देखिए सूजन, यदि गले में सूजन आ रही है उस सूजन को कम करने के लिए क्या करें? सूजन को कम करने के लिए जो प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन होता है, सूजन को कम करने के लिए किसका? प्रेडनिसोलोन।
ये नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये जगह जगह आपको काम में आने वाले हैं। सूजन को कम करने के लिए किसका इंजेक्शन लगाओगे? प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन लगाओगे और मात्रा जो रखोगे वो रखोगे 15 ml। कितनी रखनी है? 15 ml आप मात्रा रख सकते हो। उसके बाद यदि बात करें निमोवेट की, कल यानी लास्ट क्लास में मैंने बताया था निमोवेट भी अपन ने काम में लिया था। जो निमोवेट होता है वो दर्द को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। इसको काम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए काम में लिया जाता है क्या? निमोवेट। तो दर्द को कम करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? निमोवेट नामक इंजेक्शन का प्रयोग करोगे और निमोवेट की मात्रा भी आपको काम में लेनी है 15 ml। ये तो गलगोटू रोग होने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी चिकित्सा करनी है। अब बात करते हैं रोकथाम की। किसकी बात कर रही है? रोकथाम की बात करनी है कि रोकथाम गलगोटू रोग हो जाए, रोग होने, यदि रोग को अपने को क्या करना है, उसका कंट्रोल तो कर लिया लेकिन रोग हो ही नहीं, उसके लिए क्या करना होता है? रोकथाम करनी होती है। तो देखो जो रोकथाम है उसके लिए आपको प्रतिवर्ष क्या करना है, प्रतिवर्ष जून माह में, कौन से माह में? जून माह में टीका आपका जून माह के लिए याद रखना। एंथ्रेक्स का भी जून माह में दिया था, उसके बाद में ब्लैक वाटर था उसका लगभग जून जुलाई में दिया था, और बात कर रहे हैं गलगोटू की तो इसका भी जून माह में दे रहे हैं। गलगोटू का जो टीका है उसका नाम क्या है? HSCBV। तो प्रतिवर्ष जून माह में HSCBV का टीका लगाना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में सारी चीज? गलगोटू के अंतर्गत पड़े सिपिंग फीवर, इसका उपनाम था गोटुआ नाम था और गुड़का नाम था, ये तो उपनाम पड़े। रोग कारक अलग अलग बता दिया मैंने, पाश्चुरेला भोवी सेप्टिका, पाश्चुरेला बुवेरी सेप्टिका और पाश्चुरेला ओवेस। जो भी पाश्चुरेला भोवी सेप्टिका था वो गाय के लिए था, बुवेरी सेप्टिका था वो भैंस के लिए था, और ओवेस था वो किसके लिए था? भेड़ बकरी के लिए था। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रोग का, रोग देखते हैं गलगोटू के बाद में नेक्स्ट देखते हैं फिड़किया। बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है आपको, सीनियर के लिए भी बहुत अच्छा है, जेड के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो या WO की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत बेस्ट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं फिड़किया, चौथा रोग अपने पास में था फिड़किया, जिसको सामान्य नाम से बोलते हैं अपने फड़किया। किस नाम से जानते हैं? फड़किया के नाम से जानते हैं, और कोई इसका उपनाम नहीं है। सिंपल भाषा में अपने यहाँ पर बोला जाता है फड़किया। क्या बोला जाता है? फड़किया बोला जाता है। अब देखिए बात करते हैं इसके रोग कारक की। रोग कारक, तो रोग कारक के लिए आप याद रखोगे क्लोस्ट्रिडियम बेल्सियाई टाइप डी। रोग कारक का नाम क्या याद रखना है? क्लोस्ट्रिडियम बेल्सियाई टाइप डी। क्या है? क्लोस्ट्रिडियम बेल्सियाई टाइप डी। उसके अलावा आप और याद रख सकते हो क्लोस्ट्रिडियम, देखो दो नाम इसके याद रख सकते हो, हालांकि आपको ऊपर वाला ही मिल जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम बेल्सियाई टाइप डी ही मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको क्लोस्ट्रिडियम बेल्सियाई टाइप डी न मिले उस कंडीशन में क्या आपको करना है, तो क्लोस्ट्रिडियम फिन आपको क्या करना है? परफिनजेंस, याद क्या करना है? परफिनजेंस। तो दूसरा रोग का कारक आया कौन सा? एक तो क्लोस्ट्रिडियम बेल्सियाई टाइप डी आ गया और दूसरा क्लोस्ट्रिडियम परफिनजेंस आ गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रभावित पशु।
प्रभावित पशु। देखो प्रभावित पशुओं के अंतर्गत जो फिरकिया होता है वो मोस्टली भेड़ बकरी में होता है। किसमें होता है? भेड़ बकरी में होता है। तो प्रभावित पशु क्या आ गया? भेड़ बकरी। उसके बाद देखिए प्रभावित अंग क्या करता है? प्रभावित अंग, तो जो जीवाणु है वो जीवाणु क्या करेगा? आहार नाल से प्रवेश करेगा। कहां से प्रवेश करेगा? आहार नाल से प्रवेश करता है और आंत में क्या करता है? आक्रमण करता है। तो जो प्रभावित अंग होगा वो क्या होगा? आहार नाल के साथ में आंत हो गया। बता दीजिए जीवाणु आहार नाल से प्रवेश कर आहार नाल से प्रवेश कर आंत में प्रकोप करता है या आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, आ गया समझ में? प्रभावित अंग, प्रभावित पशु तो क्या था? भेड़ और बकरी। और प्रभावित जो अंग आया वो प्रभावित अंग आ गया जीवाणु आहार नाल से प्रवेश कर आंत में क्या करता है? प्रकोप करता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए इसके लक्षण क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षण तो देखो जो कि आपका फिरकिया रोग है, इससे फिरकिया रोग में क्या होता है? पेट में गैस बन जाती है, तेज दर्द होता है। पेट में क्या होता है? गैस भर जाती है और तेज दर्द होता है। तो बताइए पेट में तेज दर्द व गैस का बनना, पहला लक्षण जो आप बता रहे हो वो आपने क्या बताया? पेट में तेज दर्द होता है वह गैस का बनना, गैस बन जाती है और गैस बनने की कंडीशन में क्या होता है? पेट में तेज दर्द होता है। उसके बाद बात करें जो भी आपका भेड़ और बकरी है वो क्या करता है? अपना जो कम शरीर होता है वो उस शरीर को क्या करता है? धनुष के समान मोड़ लेता है। किसके समान मोड़ लेता है? धनुष के समान मोड़ लेता है। तो यहां दूसरा लक्षण कमर को धनुष के समान मोड़ना, कमर को धनुष के समान मोड़ना। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या करता है? जो भी रोगी पशु होता है वो रोगी पशु अपने पैरों को क्या करता है? साइकिल के समान चलाता है। क्या करता है? साइकिल के समान चलाता है। ये लक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन नॉर्मल आएगा तो यदि आपके पास आ सकता है कि कौन से रोग में पशु पैरों को साइकिल के समान चलाता है तो वहां आपको बताना है फिरकिया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखा आपके पास आ सकता है कि पशु किस रोग में लात मारता है, क्योंकि साइकिल के समान चला रहा है मतलब आगे पीछे कर रहा है, तो लात मारने का काम कौन से रोग में कर रहा है? फिरकिया रोग में कर रहा है। तो यहां बता दीजिए पशु बार बार पेट की तरफ देखता है वह लात मारता है। पशु का पेट की तरफ देखना वह लात मारना। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन आपके पास में सामान्य पूछेगा तो क्या करेगा? पैरों को साइकिल के समान कौन से रोग में चलाता है? साइकिल के समान चलाना, पैरों को साइकिल के समान कौन से रोग में चलाता है? तो वहां पर आपको बताना है फिरकिया में चलाता है। उसके बाद देखिए जो भी छोटे पशु होते हैं उनकी कंपन के साथ मृत्यु हो जाती है। तो लक्षण नेक्स्ट लक्षण बताइए छोटे पशुओं की कंपन के साथ मृत्यु। छोटे पशुओं में या छोटे पशुओं की कंपन के साथ मृत्यु। और कुछ पशु ऐसे होते हैं जो बिना लक्षण प्रकट किए ही मर जाते हैं। कुछ पशु क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जो बिना लक्षण प्रकट किए ही मर जाते हैं। तो कभी कभी पशु बिना लक्षण प्रकट किए हुए मर जाता है।
कभी कभी पशु बिना लक्षण, क्योंकि ये इतना तेज होता है, इतना भयंकर होता है कि इसमें क्योंकि रोगी पशु है उसको टाइम ही नहीं मिल पाता है, 10-15 मिनट के अंदर अंदर क्या होता है पशु मर जाता है। तो कभी कभी पशु बिना लक्षण प्रकट किए हुए ही मर जाता है। आ गया समझ में? ये तो क्या देखा अपन ने, फिर क्या रोग के लक्षण देखे। इसके बाद हम देखेंगे चिकित्सा, इस रोग की चिकित्सा क्या करेंगे। हालांकि इस रोग की कोई चिकित्सा संभव नहीं हो पाती है क्योंकि ये रोग इतना तेज होता है कि अति शीघ्र पशु क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, डेक्सोना का इंजेक्शन लगा सकते हो। किसका इंजेक्शन लगा सकते हैं? डेक्सोना का इंजेक्शन लगा सकते हैं और उसकी मात्रा रखी जाएगी 3 ml। तो डेक्सोना 3 ml का इंजेक्शन, जो डेक्सोना है उस डेक्सोना के 3 ml का इंजेक्शन आप लगा सकते हो। उसके बाद देखिए रोकथाम, रोकथाम तो यहां बताना है आपको टीका कब लगाना है। देखो वहां पर गल किसके अंतर्गत, गलगोटू में, ब्लैक वाटर में और आपके एंथ्रेक्स में लगभग जून और जुलाई के महीने में टीका लगाया था। लेकिन जो भी आपका फिड़किया रोग है उस फिड़किया रोग में टीका कब लगाना है, फरवरी के अंतर्गत लगाना है। तो फरवरी मार्च में ईटी का टीका लगाना है। फरवरी मार्च में क्या करोगे, ईटी का टीका लगाओगे। ठीक है, आगे समझ में? चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रोग, कोई भी यदि दिक्कत हो आप बेझिझक पूछ सकते हो, नहीं पूछोगे तो हमेशा वो चीज क्या हो जाएगी आपकी, कभी भी वो कंफर्म नहीं कर पाओगी। तो इस वजह से कोई भी चीज हो उस चीज को कंफर्म करो। नेक्स्ट रोग का नाम देखते हैं तो अपने पास में आता है थनेला, पांचवा पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा, थनेला, थनों से संबंधित, किससे संबंधित है, थनों से संबंधित है। अब देखो साथ ही इसके पहले उपनाम देख लेते हैं। उपनाम थनेला थनों से संबंधित है, अयन सीट। इसके अलावा मार्गेट, इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, मार्गेट। ठीक है, ये तो इसके क्या हो गए, उपनाम हो गए। अब देखिए इसके रोग कारक, रोग कारक। देखो रोग कारकों के अंतर्गत यहां पर भी अपन हमारे को दो रोग कारक पढ़ने हैं। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, एक तो कौन सा होता है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकाई। दूसरा कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई एंगेलेक्सिया। तो आप यहां बताइए स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु रोग कारक हमारे पास में क्या आया, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु आया। लेकिन गाय भैंस में मुख्य रूप से, कहां पर गाय और भैंस की बात करेंगे तो गाय भैंस में जो मुख्य रूप से जीवाणु यहां पर रोग कारक का होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकाई एंगेलेक्सिया। जीवाणु का नाम हमारे पास में क्या आ गया, स्ट्रेप्टोकोकाई। क्योंकि स्ट्रेप्टो तो उसके अंतर्गत आ जाता है, दही के अंतर्गत। स्ट्रेप्टोकोकाई एंगेलेक्सिया क्या आ गया, स्ट्रेप्टोकोकाई एंगेलेक्सिया जीवाणु आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रभावित अंग। हाँ, प्रभावित पशु की बात करें तो थनेला
मतलब देखो यहाँ थोड़ा सा अपने आप ही आप इसका अर्थ निकाल सकते हो। थनेला मतलब थनोसे, इतने से जो दुधारू पशु है वो दुधारू पशु क्या होंगे यहाँ पर प्रभावित होंगे। तो प्रभावित पशु हो गए जो भी दुधारू पशु है, और प्रभावित अंग की बात करें थनोसे थनेला नाम है, तो यहाँ पर जो अयन होते हैं थन होते हैं वो थन क्या हो गया प्रभावित अंग आ गया। ठीक है चलो इसके बाद देखते हैं इसके लक्षण। नेक्स्ट देखना है लक्षण। देखो जो अयन होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो लाल रंग के हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? लाल, गर्म होते हैं, और गर्म होंगे तो किसका हो जाता है? अरे अपना खुद का देखा करो, हमारा शरीर यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, बुखार होती है हमारे को, तो शरीर क्या हो जाता है गर्म हो जाता है, और गर्म होने की कंडीशन में हमारा शरीर लगभग क्या हो जाता है लाल हो जाता है। तो यहाँ पर जो अयन होते हैं वो अयन क्या होते हैं गर्म हो जाते हैं, वह क्या हो जाते हैं लाल हो जाते हैं। तो गर्म लाल व दर्द युक्त अयन, गर्म लाल व दर्द युक्त अयन अर्थात अयनों में क्या होता है दर्द होता है। अयन क्या हो जाते हैं गर्म हो जाते हैं और लाल हो जाते हैं। ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पहले तो अयन क्या होते हैं गर्म होते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन उसके बाद में अयनों का टेम्परेचर एकाएक घट जाता है, अयनों का टेम्परेचर एकाएक घट जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाते हैं जो अयन होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो यहाँ दूसरा लक्षण बताइए, अयनों का तापमान गिरने से ठंडे व सख्त, अयनों का तापमान घटने से या कम होने से ठंडे व सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, क्योंकि अयन पहले क्या थे गर्म थे, उसके बाद में ठंडे हो गए, इसके कारण से क्या हो गए वो सख्त हो गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लक्षण, अयनों से जो निकला हुआ दूध है वो क्या होता है छिछड़े युक्त होता है। अयनों से निकला हुआ दूध कैसा होता है छिछड़े युक्त होता है। बताइए नेक्स्ट लक्षण, अयनों से निकला हुआ दूध छिछड़े युक्त, उसके बाद फिर लक्षण देखते हैं, अयनों से जो निकला हुआ दूध है वो पहले क्या होता है पीला रंग होता है उसका थोड़ा बहुत, और उसके बाद में उसका रंग कैसा होता है लाल हो जाता है। तो यहां पर नेक्स्ट लक्षण के रूप में बता दीजिए, अयनों से निकला हुआ दूध पहले पीला, पहले कैसा होता है पीला, वह बाद में लाल हो जाता है, और लाल होने का रीजन क्या होता है दूध के साथ में क्या होती है उसका ब्लड आने लग जाता है, जिसके कारण से दूध का रंग कैसा हो जाता है लाल हो जाता है। नेक्स्ट लक्षण के रूप में बताइए, अयनों में गांठें हो जाती हैं, थन होते हैं उन थनों में क्या होती है गांठें बन जाती हैं, अयनों में गांठें बन जाती हैं, और गांठें बन जाने के कारण से क्या हो जाती है दर्द होता है। ठीक है, और वो उन गांठों से फूट के क्या होता है उसके साथ में ब्लड आ जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लक्षण के रूप में, दूध का कभी कभी दूध क्या होता है बंद हो जाता है, अयनों से दूध का बहाव बंद हो जाता है। तो नेक्स्ट लक्षण बता दिया, अयनों से दूध का बहाव बंद, दूध का बहाव क्या होता है बंद हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारे पास में इसके लक्षण आ गए थनेला के लक्षण आ गए। उसके बाद देखिए इसकी चिकित्सा, कंट्रोल क्या करोगे। तो देखो जो अयन थनेला रोग होता है, इस थनेला रोग में क्या करना चाहिए, जो भी अयन है उन अयनों को क्या करना चाहिए आयोडीन या बेलोडोना लगाकर
सेव करना चाहिए। या तो आयोडीन लगा सकते हो, या बेलाडोना लगा सकते हो, या फिर ग्लिसरीन भी लगा सकते हो। तो चिकित्सा हमारे की आइनों पर बेलाडोना, या तो क्या लगा दिया, बेलाडोना लगा दिया या आयोडीन लगा दी, और इसके अलावा ग्लिसरीन पेस्ट भी लगा सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, ग्लिसरीन का प्रयोग कर सकते हो, ग्लिसरीन का पेस्ट लगाकर सेट करना चाहिए, सेट करना चाहिए। या तो आयोडीन लगाओगे, या बेलाडोना लगाओगे, या ग्लिसरीन पेस्ट लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का नाम है एविल। इंजेक्शन का नाम क्या है, एविल। और इस एविल की मात्रा कितनी लेनी है, 10 ml लेनी है। कितनी काम में लेनी है, 10 ml आपको काम में लेनी है। तो एविल के 10 ml का अंतःपेशी इंजेक्शन, अंतःपेशी इंजेक्शन आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। चलो इसके बाद और देखिए, इसके साथ आप और क्या कर सकते हो, तो जो भी एंटीबायोटिक्स औषधियां होती हैं, क्या होती है, एंटीबायोटिक्स औषधियां होती है, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, सल्फामिडिन है, इनका प्रयोग अपने को करना चाहिए। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक औषधियां जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, पेनिसिलिन आदि का आपको क्या करना चाहिए, टेरामाइसिन आदि का आपको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। देखो उसके बाद एक आपको और एक चीज बताता हूं, बहुत अच्छी चीज है। सुपरवाइजर 2018 में ये चीज पूछी गई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलो आपको क्या करना है, जो भी आयन होते हैं या थन होते हैं, आयन या जो थन होते हैं, उन आयन या थनों के ऊपर क्या करना चाहिए, दूध निकालने के बाद में, दूध निकालने के बाद में जो मैस्टिटिस ट्यूब होती है, उस मैस्टिटिस ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए या चढ़ानी चाहिए। तो आयन पर दूध निकालने के बाद, आयन पर दूध निकालने के बाद मैस्टिटिस, ये इस रोग का नाम इंग्लिश में नाम है, थनेला का, थनेला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैस्टिटिस, ठीक है। तो मैस्टिटिस ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए, किस ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए, मैस्टिटिस ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए। कब करना चाहिए, दूध निकालने के बाद में करना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं रोकथाम, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाती है, थनेला की रोकथाम आ जाती है। तो जो भी आपके मस्टिवेक हैं, MASTI मैस्टाइटिस जो होता, रोग होता है, उसी के नाम से वैक्सीन है, तो जो उसका प्रयोग आपको करना चाहिए, वैक्सीन का प्रयोग, वैक्सीन का मतलब टीका, तो मस्टिवेक का टीका लगाना चाहिए, ठीक है। यह आपके कौन सा गया, थनेला रोग अपने देखा। ये तो हमारे पास में जो भी जीवाणु जनित रोग थे, जीवाणु जनित रोग 5 पढ़ाए मैंने, एंथ्रेक्स पढ़ाया, दूसरा ब्लैक वाटर पढ़ाया, तीसरा गलगोटू पढ़ाया, चौथा आपको फिडिकिया पढ़ा दिया, और पांचवा थनेला पढ़ा दिया। ये तो जीवाणु जनित रोग कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके बात करेंगे विषाणु जनित रोगों की, इसके बात करनी है, विषाणु जनित रोगों की बात करनी है। एक एक रोग को आप अच्छी तरह से देखते चले जाओगे, और यदि आपने
एक एक रो को अच्छी तरह से देखा तो आपका क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं विषाणु जनित रोग, और विषाणु जनित रोगों के अंतर्गत सबसे पहला रोग देखते हैं पशु प्लेग। सबसे पहला रोग अपने पास में विषाणु जनित रोगों के अंतर्गत कौन सा गया? पशु प्लेग आ गया। देखो पशु प्लेग जो रोग है इसको किस किस नाम से जानते हैं? तो इसको रिंडर पेस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रिंडर पेस्ट। जो पशु प्लेग है उसका इंग्लिश नेम क्या है? रिंडर पेस्ट होता है। इसके अलावा ये तो इंग्लिश नेम आ गया, इसके अलावा इसको पोकनिक भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोकनिक के नाम से भी जानते हैं और इसको शीतला माता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शीतला माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके उपनाम हो गए। इंग्लिश में इसको रिंडर पेस्ट कर दिया और इसके अलावा इसको पोकनी और शीतला माता के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं रोग कारक की। किसकी बात करेंगे? रोग कारक की बात करेंगे। तो देखो रोग कारक वायरस होगा, जीवाणु कंप्लीट हो चुके, पढ़ क्या रहे? वायरस पढ़ रहे हैं। तो जो इसका रोग कारक होगा वो होगा छानने योग्य वायरस। क्या होगा? छानने योग्य वायरस। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि छानने योग्य वायरस के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो आपको बताना है पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट रोग फैलता है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रभावित पशु, इसकी बात करेंगे, प्रभावित पशुओं की बात करेंगे। प्रभावित पशुओं के अंतर्गत गाय भैंस और भेड़ बकरी चारों ही पशु प्रभावित होते हैं, लेकिन मुख्यतया गाय और भैंस, मुख्यतया गाय और भैंस प्रभावित होते हैं। और उसके अलावा ये तो आपको मुख्य रूप से बताना है, मुख्य रूप से, इसके अलावा भेड़ और बकरी भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। भेड़ बकरी भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो यहां पर पोकनी, शीतला माता, रिंडरपेस्ट, रोग कारक का नाम पड़ा छानने योग्य वायरस, प्रभावित पशुपलिया गाय भैंस मुख्य रूप से, और भेड़ बकरी में भी ये रोग होता है। उसके बाद देखिए प्रभावित अंग, प्रभावित पशु के बाद में देखते हैं प्रभावित अंग। तो जो संपूर्ण आहार नाल होती है, संपूर्ण आहार नाल, ये संपूर्ण आहार नाल क्या होती है? इस रोग से प्रभावित होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो उसके बाद देखिए इसका प्रकोप कब होता है सर्वाधिक? तो जो सूखा मौसम है उस सूखे मौसम में इस रोग का प्रभाव होता है। प्रकोप सूखे मौसम में अधिक। प्रकोप कब होता है? सूखे मौसम में होता है। तो सूखे मौसम में प्रकोप इसका क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, चल इसके बाद देखते हैं इसके लक्षण। लक्षण क्या क्या प्रकट होंगे? तो पहला जो लक्षण आपको बताना है तेज बुखार। देखो एक रोग ही ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा? शरीर का टेम्परेचर सामान्य से कम होगा, बाकी सभी रोगों में टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा ही होगा। सामान्य टेम्परेचर कितना था? लगभग 101 से 102 डिग्री फारेनहाइट था। टेम्परेचर बढ़ के कितना हो रहा था? 105 से लेके 107 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच रहा था। तो यहाँ पर तेज बुखार हो गई, तेज बुखार में टेम्परेचर हो गया 104 से 107 डिग्री फारेनहाइट। कितना हो गया? 104 से लेके 107 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। उसके बाद दूसरा लक्षण देखिए, पहले गोबर के साथ में क्या आता है? रक्त, सॉरी पहले गोबर के साथ होता है कठोर हो जाता है, रक्त बाद की बात आएगी। पहले गोबर क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है, लेकिन उसके बाद में खून से सने बदबूदार दस्त हो जाते हैं। तो दूसरा लक्षण बताइए, पहले गोबर शब्द तथा उसके बाद खून से सने बदबूदार दर्द
क्या हो जाते हैं, खून से सने बदबूदार दस्त हो जाते हैं। पहले क्या हो जाता है, कब्ज होता है, कब्ज का मतलब पहले गोबर क्या होता है, सख्त आता है, कठोर आता है, और उसके बाद में क्या होता है, जो गोबर होता है वो दस्तों के साथ में बाहर निकलता है, और उसके साथ में क्या होता है, ब्लड भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर तेज बुखार आ गया, 104 से 160 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर हो गया, और पहले गोबर सख्त है, उसके बाद में क्या हो गया, खून से सने बदबूदार दस्त हो गए। उसके बाद देखिए जो मसूड़े होते हैं, क्या होते हैं, जो मसूड़े होते हैं और जीभ होती है उसके ऊपर छोटे छोटे दाने रूप में उभर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मसूड़ों व जीभ पर, मसूड़ों व जीभ पर छोटे छोटे दानों का उभरना, छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने उभर जाते हैं। तो मसूड़े व जीभ पर छोटे छोटे दानों का उभरना, उसके बाद दांतों से किस प्रकार की आवाज आती है, कटकटाहट की आवाज आती है, दोनों दांत क्या होते हैं, आपस में कट 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 की आवाज निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में बताया, दांतों से कटकटाहट की आवाज, ये आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है थोड़ी सी, तो ध्यान रखना कहां पर किस प्रकार की आवाज आई, गुरगुर की आवाज आई, चर चर की आवाज आई, तो ये सारी चीजें आप ध्यान देते चले जाओगे। तो यहां पर दांतों से किस प्रकार की आवाज आ रही है, कटकटाहट की आवाज आ रही है। जो आंखें होती है उनकी कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है, आंखें बिल्कुल कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। ठीक है, और उनसे पानी लगातार पानी बहता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बताया आपन ने, आंखों का लाल होना वे लगातार पानी बहना, लगातार पानी बहना, आंखें कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है, और उनसे क्या होता है, लगातार पानी बहता रहता है, और रोगी पशु 4 से 7 दिन में मर जाता है। ये लक्षण भी आप बता दोगे, पूछ सकता है कि रोगी पशु की कितने दिन में मृत्यु हो जाती है, तो 4 से 7 दिन में मृत्यु हो जाती है, रोगी पशु की 4 से 7 दिन में मृत्यु। ये कौन सा रोग था आपके पास में, पशु प्लेग रिंडरपेस्ट रोग था, जिसको कोकनी के नाम से भी जाना, जिसको शीतला माता के नाम से भी जाना। ठीक है, ये तो लक्षण हो गए। इसके बाद देखिए इसकी चिकित्सा, नेक्स्ट क्या करना है, चिकित्सा कंट्रोल आप करोगे, तो कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, तो मैंने आपको बताया 3-4 जगह कि एक सल्फामिडिन जो औषधि है, इस सल्फामिडिन औषधि का नाम याद कर लीजिए, आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। तो यहां बता दीजिए सल्फामिडिन, और सल्फामिडिन जो इंजेक्शन है उसकी मात्रा आप कितने काम में लोगे, तो सल्फामिडिन का इंजेक्शन लगाओगे 30 ml का, कितने ml का लगाओगे, 30 ml का इंजेक्शन लगाओगे। उसके बाद देखिए जो दस्त हो रहे हैं उन दस्तों को रोकेंगे, उस रोकने के लिए भी इंजेक्शन अपने को काम में लेना है, तो दस्तों को रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन काम में लोगे, दस्त को रोकने के लिए, दस्त को रोकने के लिए इंजेक्शन क्रोम, जो इंजेक्शन है उसका नाम क्या है, क्रोम का नाम का एक इंजेक्शन है, उस क्रोम नाम के इंजेक्शन का यूज आपको करना है, और इसकी जो मात्रा है वो आपको काम में लेनी है 10 ml। ठीक है, यहां तक आपके कोई भी दिक्कत हो पूछिए। उसके बाद देखिए इस रोग का रोकथाम आपको करना है, क्या करना है, रोग की रोकथाम करनी है, तो जो एक टीका होता है GTV, टीके का नाम क्या है, GTV, इसका टीका आपको लगाना है। तो नेक्स्ट अपने पास में आ गया रोकथाम, और रोकथाम में मैंने आपको क्या बताया, GTV का टीका, गोट टिश्यू वैक्सीन,
पूरा नाम क्या है जीटीवी का, गोट टिश्यू वैक्सीन। ठीक है, तो इसका आप क्या करोगे, टीका लगाओगे। आ गया समझ में? चलो ये चीज तो आपके पास में आ गई। अब एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन कभी सुपरवाइजर में भी पूछा जाता है, कभी डब्ल्यूओ में भी पूछा जाता है, जेक का बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। ऐसा कौन सा रोग है जिसका उन्मूलन हो चुका है? तो आपको बताना है पशु प्लेग का उन्मूलन हो चुका है। अब इस उन्मूलन शब्द का मतलब, उन्मूलन का मतलब है, देखो इसी में से शब्द में से मैं तोड़ के आपको बता देता हूं। मूल यानी जड़ से खत्म कर चुके, किससे खत्म कर चुके, जड़ से ही खत्म कर चुके पशु प्लेग को भारत में। तो भारत में ऐसा कौन सा रोग है जिसका उन्मूलन किया जा चुका है? तो बताना है पशु प्लेग। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो भी रोग बचते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।